नमो लोये सौहरियंताम नमो लोये सौदानम नमो लोये सौ आयरिया नमो लोये सौ जयनम नमो लोये सौ त्रिकावती सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामदं मोक्षदं से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम रूपमोहिनी मंगलम कुंकुंदारी उजेन्द्र मोक्ष मंगल नमः सुमति स्मरण स्वानुभूत्या च हास्ते चित स्वाय भवाय विभाव निरूपणी गाथा चौदहवीं गाथा चले न चौदहवीं शक्ति जो अन्न से नहीं किया जाता और अन्न को नहीं करता ऐसे एक द्रव्य स्वरूप द्रव्य स्वरूप शब्द पढ़ाए ना इतने लोग को हम कहे कि द्रव्य नहीं बात नहीं है तो द्रव्य में शक्ति है ये शक्ति का पर्याय में व्याप्त है उसको यहां द्रव्य कहते हैं। समझ में आया एक द्रव्य अन्न से नहीं किया जाता अपने सम्यक दर्शन पर्याय कोई अन्न से नहीं किया जाता और सम्यक दर्शन पर्याय अन्न को करती नहीं। समझ में आया पर्याय ये अन्न से कार्य नहीं उसका राग व्यवहार है तो सम्यक दर्शन की पर्याय हुई ऐसा है नहीं ऐसे केवल ज्ञान मनुष्य ने संग्रहण ने निमित्त ऐसा है तो केवल ज्ञान उत्पन्न होता ऐसा है नहीं ये कार्य पर का कार्य ने पर का कारण ही केवल ज्ञान पर्याय है ही नहीं। दूसरी रीते कही है तो केवल ज्ञान पहले चार ज्ञान अथवा मोक्ष मार्ग था तो मोक्ष मार्ग कारण ने केवल ज्ञान कार्य ऐसा ही नहीं क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय अकार्य कारण है उसमें शक्ति अकार्य कारण है तो केवल ज्ञान की पर्याय पूर्व का मोक्ष मार्ग के कारण है उत्पन्न हुई ये भी नहीं और राग को उत्पन्न करते हैं कि निमित्त को उत्पन्न करते हैं ऐसा भी नहीं। आविवाद झीणी है लोगों ने सत्य तो है समझ में आया दरेक शक्ति में अकार्य कारण शक्ति है का रूप है। वो कहते हैं कि चारित्र की पर्याय जब उत्पन्न होती है ये अपने द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होती है ये भी व्यवहार है। चारित्र की पर्याय में कारण द्रव्य है कि राग व्यवहार कारण व्यवहार रत्न पर कारण नीचे चारित्र पर्याय हुई ऐसा है नहीं। समय समय निर्मल पर्याय में शक्ति कारण कहना वो भी व्यवहार है हम कहते हैं तो समझ में आया वो समय में जहां केवल ज्ञान के सम्यक दर्शन के सम्यक चारित्र अपने अनुभूति में आनंद की दशा उत्पन्न होना ये आनंद की दशा में व्यवहार कारण ने आनंद दिशा का ऐसा ही नहीं और ये आनंद की दशा पहले जो शुद्धता की अपूर्णता अथवा शुभ भाव था वो कारण अनुभूति हुई ऐसा ही नहीं। समझ में आया अभी बात है अकार्य कारण शक्ति तो ज्ञान में दर्शन में आनंद में चारित्र में वीर्य में
दरेक मां अकारी कारण है। अपना पुरुषार्थ वीर्य जो पुरुषार्थ जागृति होती है उसमें कोई पर कारण है नहीं, एक पुरुषार्थ कार्य ऐसा ही नहीं। और ये पुरुषार्थ कोई का कारण है पर का कि वीर्य के कारण आत्मा का शरीर चलते हैं पुरुषार्थ के कारण, ऐसा है नहीं। समझ में आया? तो ये अकार्य कारण शक्ति अनंत शक्ति में इसका रूप है। अतीन्द्रिय आनंद का उत्पन्न होना ये द्रव्याश्रय से कहने में आता है। सम्यक दर्शन भूयत्थम असी दो खड़ू भूताद के आश्रय उत्पन्न होता है ऐसा कहने में आता है, वो भी व्यवहार है। सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होने में कोई द्रिवगुणी कारण नहीं पर भी कारण नहीं, ऐसी पर्याय का स्वभाव है। सूक्ष्म है भाई, सत्य तत्व बहुत सूक्ष्म है और ये अपूर्व बात का समझ में आया। तो ये बात तो अकारण कारण हो गई है। आज तो पंद्रहवीं शक्ति पंद्रमा दिन है ना तुम्हारे शिक्षण सिंधन पंद्रहवीं शक्ति। थोड़ी सूक्ष्म है ध्यान रखना। पर और स्व है, पर और स्व जिनके निमित्त है, ऐसे ज्ञेयाकारों अपना में ज्ञेयाकार ग्रहण करने की शक्ति है। पर ज्ञेयाकारों ग्रहण करने की शक्ति है, तो ये प्रमाण हुआ। और नानारों को ग्रहण करने के ग्रहण कराने का स्वभाव समझ में आया। ज्ञानाकार अपना जो स्वभाव है पर को ग्रहण कराने का स्वभाव है, तो ये प्रमेय है। परिणम शक्ति है ये प्रमाण है, और परिणामात्मक है ये प्रमेय है। दो को एक शक्ति गिनने में आया है, पर को ज्ञेयाकार रूप ग्रहण करना ऐसा अपना परिणम प्रमाण शक्ति है, और अपनी शक्ति का जो स्वभाव है पर को ग्रहण कराना ये अपने में प्रमेय स्वभाव है। अरे समझ में आया? फिर एक बार दो बार कहते हैं कि आत्मा में प्रमाण नाम की एक शक्ति ने प्रमेय नाम ने दो मिलकर एक शक्ति, प्रमाण ने प्रमेय, परिणमिम ये प्रमाण, परिणामात्मक ये प्रमेय, दो शब्द है परिणमिम परिणामात्मक, ये परिणमिम ये प्रमाण, परिणामात्मक ये प्रमेय। प्रमाण ने प्रमेय एक शक्ति दो होकर एक शक्ति है, उसका अर्थ के पर का ज्ञेयाकार जो ज्ञेय वस्तु है अनंत, उसका विशेषपणे ग्रहण करना अपने में ऐसा प्रमाण नाम का शक्ति है। अपना प्रमाण में पर वस्तु ज्ञेयाकार का ज्ञान हो, ज्ञेयाकार का कार्य नहीं, ज्ञेयाकार का ज्ञान हो अपना स्वभाव में, अनंत ज्ञेय है उसका, यहां ग्रहण करने का स्वभाव है, जानने का, ग्रहण करने का अर्थ जानने का। और अपना स्वभाव जो अनंत है
ये पर के प्रमाण में प्रमेय होने की शक्ति, पर को ग्रहण कराने में शक्ति है। दो चीज सिद्ध किया, एकेला आत्मा है ऐसा नहीं, और एकेला पर ज्ञेय है नहीं, आत्मा नहीं ऐसा भी नहीं। ज्ञेय अनंत है, ज्ञान भी आत्मा प्रमाण रूप अनंत है स्वभाव। सूक्ष्म बात शक्ति के वर्णन है नहीं, तो आत्मा में सामर्थ्यता, पर का कर्ता के पर से काय हो अपने में, ये तो अपने में है ही नहीं, पर अपना स्वभाव में प्रमाण में पर ज्ञेयाकारों का ग्रहण करना ये अपना स्वभाव है। और पर ज्ञेय में पर प्रमाण में अपना प्रमेयत्व का कारण पर को ग्रहण कराना का स्वभाव है। अभी वस्तु समझ में आया क्या किया पर है माटे धीमे थे कहीं से नहीं। और एक दो बार तीन बार चार बार कहते हैं। आप आत्मा जो है उसमें प्रमाण ने प्रमेय नाम की एक शक्ति है, तो ये प्रमाण ने प्रमेय नाम की शक्ति का क्या कार्य हो? कि प्रमाण है वो पर ज्ञेयाकार का ज्ञान करना, वो प्रमाण का कार्य है। आई क्यों नहीं, ये तो पर ज्ञेय होता है, यही तो प्रमाण है ना, प्रमाण है ना, तो परिज्ञेय आकार का ज्ञान ग्रहण करने ऐसा बात है। प्रमाण में परिज्ञेय का विशेष जो है उसका ज्ञान होना ये अपना स्वभाव है। प्रमाण तो अपनी शक्ति है, समझ में आया? तो ये सब ज्ञेय आकारों तो पीछे आत्मा ही आया उसमें, पर सब ज्ञेयाकारों का प्रमाण ज्ञान में ज्ञेयाकार का ज्ञान होना ये अपनी शक्ति है। पर से अपने में कार्य हो ये कोई चीज नहीं, और पर को ग्रहण कराना अपने जो अनंत शक्ति अनंत गुण स्वभाव है इसमें ये प्रमेय नाम की शक्ति है। प्रमेय कि जी प्रमेय के कारण पर ज्ञान का प्रमाण में प्रमेय को ग्रहण कराना उसका स्वभाव है। नहीं, प्रमेय ने प्रमाण शक्ति दूकर एक है। बहुत उसका हाथ ऐसा करते हैं, ऐसा कहना है कि आत्मा पर अनंत ज्ञेय है उसका ज्ञान होना ये स्वभाव है, पर का रचना के पर की बनाना ये उसका स्वभाव है नहीं। समझ में आया? और अपने में अनंत गुण आदि जो द्रव्य स्वभाव है उसमें प्रमेयत्व है, तो वो कारण पर द्रव्य में प्रमाण में प्रमेयत्व को ग्रहण कराना, पर ज्ञान में ग्रहण कराना इसका अपना स्वभाव है। परिणम ये प्रमाण हुआ, परिणमात्मक ये प्रमेय हुआ। समझ में आया? आई वहां तुम हो गया सेठ से हो तो हम भी न हो बनू बाद। तुम नहीं बात आती है लोग को नहीं बेचारा આવ્યો છે મોટું કુટુંબ ભાઈ વાંચે છે એમ કે ભાઈ નિગુણ કિશોર બહુ સરસ વાંચે છે, એમ લખ્યું છે સ્ટોક માણસ આવે છે ગામમાં દૂષિત વાતાવરણ બહુ થઈ ગયું છે ભીંડવા આવવાના છે અરે અરે પ્રભુ આ કાળે આવી વાર બાર એને તો અહીં કા સાહિત્ય હે એવું જલ મેં નાખી દે ના પોતાનું
बात तो ऐसी है भगवान नुकसान है प्रभु तेरे, आ तो सच साहित्य है। उसका ज्ञान करना वो तेरा स्वभाव है, नेह को पानी में नाखना नहीं तेरा स्वभाव है। कांगड़ाया तुम्हारा कुछ है इंद्र वदन को नाम से पत्र है बड़ा एम के कोई ने मोकलो बाहू भाई ने के हुकम चंदी ने बे हम प्रसिद्ध है ने ज्ञान चंदी ने शिखर चंदी थोड़ी हम हमें प्रसिद्ध आए पर गमे थी एक बे मुकुल में बात आती है एक दो दिन पहले अठाईस में दिन तो अठाईस मई तकी है क्यों क्यों तारीख रविवार ने अठाई में तारीख उसमें सवार में है तूफान था तो कितने में थे 25 बे दिन रिया तो कोई को जानना एने दिखाए हो मारा तो दिखाए कोई को कहो मैं तो कोई को अभी तक तो कहा नहीं था उसका मकान है कोई एक अरे रे शू था प्रभु आ सत साहित्य में तो आ चीज है समझ में आया तेरी चीज में अनंत ज्ञेयों को जानना ये तेरा स्वभाव है पर अनंत ज्ञेयों की रचना करना के उसका कार्य करना वो तेरे स्वभाव में है नहीं अने ये ज्ञेय का स्वभाव में है नहीं क्योंकि ज्ञेय का स्वभाव अपने में प्रमेय तरीके हो प्रमाण तरीके जो ज्ञेय का स्वभाव आता है उसमें ये ज्ञेय का स्वभाव ऐसा नहीं कि पर से रचना हो ये ज्ञेय है द्रवगुण पर्याय अपना ज्ञान का प्रमाण में ग्रहण जानने में होता है ऐसा स्वभाव है। अरिहंत ने त्रिलोकनाथ तीर्थंकर ने सर्वज्ञ ने पंच परमेश्वरी समझ में आया ये ज्ञेय है उसको जानने का प्रमाण ज्ञान में अपना स्वभाव है पर उससे कुछ मिले ऐसा कोई स्वभाव है नहीं। नंदकिशोर जी आई बात ऐसा ही समझ में आया पर जिसमें निमित्त है अपना ज्ञान प्रमाण में पर निमित्त है ना स्व जिसके निमित्त है अपना आत्मा पर को निमित्त है जनाने में पर को ग्रहण कराने में समझ में आया अभी सूली शक्ति नहीं कहता तो भक्ति पूजन करे ने लोगों ठीक पड़े बापू ये तो भक्ति पूजा होती है राग अशुभ सो मटाने को शुभ भाव हो ने खरेखर तो भक्ति संकीर्ति कोई सची होती है। आया रे पंचाशी का आया है टीका में आया है सम्यक दृष्टि को ही यथार्थपण है शुभ भाव भक्ति का उसको यथार्थ व्यवहार है अज्ञानी को व्यवहार कहाँ आया समझ में आया हम तो संप्रदाय में थे ना उसमें तो ये चर्चा बहुत चलती थी हमारे यहाँ तो ये त्रासी की साल में चर्चा बहुत हुई तो एक शेष था ऐसा उसने कहा कि सम्यक दृष्टि हुए पीछे मूर्ति पूजन है ही नहीं जब लग मिथ्या दृष्टि है तब लग मूर्ति की पूजा है ऐसा बात चली। नंदकिशोर जी आ तो त्रासी 50 वर्ष हुआ ये बॉम्बई ने जो अड़ताली थी आ तो 50 वर्ष पहले की बात है। कहते हैं उसने ऐसा कहा कि जब लग मिथ्या दृष्टि हो तब लग मूर्ति की पूजा हो सम्यक दृष्टि हो ये पीछे मूर्ति की पूजा हो नहीं
तो मैं उसको ऐसा कहा, सुनो 50 साल पहले, यथार्थ में तो सम्यक दर्शन होता है तब श्रुत ज्ञान होता है, तो श्रुत ज्ञान होता है उसमें श्रुत ज्ञान अवयवी है और निश्चय व्यवहार ये अवयवी का अवयव है। इतना अवयवी शब्द नहीं था पर इतना कहा था कि श्रुत ज्ञान हुए पीछे दो नहीं होती है, निश्चय व्यवहार और व्यवहार नहीं को निक्षेप जे चार है, नाम तापना दृढ़ भाव ज्ञेय का भेद है, आयन नहीं का भेद निश्चय व्यवहार नहीं का भेद है। तो खरेखर तो सम्यक दर्शन पीछे ही व्यवहार नहीं होती है और व्यवहार नहीं में ये पूजनिक वस्तु है निमित्त पड़ती है, तो ये संकेति पीछे खरेखर तो पूजने का भाव व्यवहार आता है। समझ में आया? हाँ, तो 50 वर्ष पहले की बात है, इस वजह से हम नहीं माने, उसमें आ गया हमें माइटी हम मान ले ऐसा ऐसे नहीं मर तो हमारा में बैस रहे तो बैस मानी। खरेखर तो भगवान की प्रतिमा ज्ञेय का भेद है, नाम निक्षेप स्थापना निक्षेप द्रव्य निक्षेप भाव निक्षेप ये ज्ञेय का भेद है। जारे शुद्ध ज्ञान मां नई शुद्ध ज्ञान का भेद है, तो शुद्ध ज्ञान का भेद में निश्चय व्यवहार आता है, तो ये व्यवहार नहीं से निक्षेप भगवान की प्रतिमा पूजने खरेखर तो संकीर्ति को व्यवहार आता सोचा। है शुभ भाव बोले, समझ में आया धनाला जी? आनकवासी ना आ गया मटी में ऐसी मान ऐसी हमारे चिन्ह, हमें तो हमारा आत्मा का निकल 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 है 50 वर्ष। भाई मार्ग आसने के दूर भाई, ऐसे हम ऐसे न माने, हमको तो अंदर में बैठने चाहिए। तो खरेखर तो व्यवहार नई संकीर्ति को होता है, विचार दृष्टि को नहीं कहाया, तो नई नहीं है तो निक्षेप का विषय भी संकेति बिना कहाँ आया? समझ में आया न्याय? समझ में आया है? तो न्याय से समझ में आते हैं तो ये बात अनुभव में आनी चाहिए ना, इसका ज्ञान में आए। कहते हैं कि आत्मा में ऐसी एक शक्ति की निया परिणम परिणमात्मक परिणम प्रमाण ने परिणमात्मक प्रमेय, कि प्रमाण ने प्रमेय रूप एक शक्ति है कि जी प्रमाण में पर निमित है ज्ञान कराने में, और पर को ज्ञान कराने में अपना आत्मा निमित है, है? पर और स्व जिनके निमित है ऐसे ज्ञाकारों पर ज्ञेयाकारों ग्रहण करने में अपने में प्रमाण ज्ञान की शक्ति है, और ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के अर्थात ग्रहण कराने के स्वभाव रूप है ग्रहण करा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के इतने ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम प्रणाम पर शक्ति झेणू पड़ेगा बजराओं ने बस आत्म सब वस्तु तो ऐसी है, है? पर जिसको निमित्त है आत्मा को पर निमित्त है ज्ञान ज्ञान में ज्ञाकार का ग्रहण होना वो पर निमित्त आत्मन में है, अने अपना स्वरूप स्व पर को ग्रहण कराने में निमित्त है, उसका प्रमाण ज्ञान में अपना प्रमेय ज्ञान कराना मा स्वभाव है। समझ में आया?
तो आ शक्ति भी अनंत शक्ति में एक एक शक्ति में उसका रूप है। तो केवल ज्ञान में भी पर ज्ञेयों का ग्रहण करने का स्वभाव है और केवल ज्ञान में भी पर को ग्रहण कराने या पर केवल आदि को ग्रहण कराने में प्रमेय स्वभाव है। बीजा के उसकी ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव ये पर को जानने में प्रमाण रूप है और ज्ञान आदि अनंत स्वभाव पर को विनय बनाने में प्रमेय बनाने में पर को ग्रहण कराने में समर्थ है। हा केवल ज्ञान में आत्मा अपना स्वभाव ग्रहण कराने का निमित्त बना है और केवल ज्ञान को अपनी पर्याय में ग्रहण करने का स्वभाव है। केवल ज्ञान ऐसा ऐसा जानने का स्वभाव है। समझ में आया? आई बात हो गए है कौन नहीं आया वधारे स्पष्ट करिए भगवान। तुम तो चैतन्य स्वरूप है ननाथ। आबाल गोपाल आया है कि नहीं? सत्तर अठार गया था, सत्तर अठार गया था मैं। आबाल गोपाल अर्थात बालक से मांडे ने वृद्ध सब जीव को अपने ज्ञान की पर्याय में गिने ही जानना उसका स्वभाव, गिने ही जानते ही है इन कहते हैं। समझ में आया? सर्व प्राणी बाल वृद्धादि सर्व अपने ज्ञान की पर्याय में सारा ज्ञेय जानने जानते ही है ऐसा ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है। तो अपने को प्रमेय बनाया पर्याय है अने अपने को प्रमाण बनाया पर को ग्रहण कराने ग्रहण किया मैं पर को ग्रहण किया ये प्रमाण बनाया। यही बात है यहाँ प्रमेय शक्ति ने प्रमाण शक्ति दो भिन्न लिया, दो होकर एक लिया है। भगवान तेरे में एक परिणम परिणात्मक नाम ना गुण है, गुण कहो शक्ति कहो सत भगवान उसका सत्व कस कहो माल कहो हाँ तुम्हारा रुपया बुपया ना माल लिया बात नहीं है उसमें यही बात है। ये गिनेरी पणे जानने लायक है ऐसा तेरा स्वभाव है, ये पैसा मेरा है ऐसा तेरा स्वभाव है नहीं। बोलो भाई सेठ लेना लक्ष्मी मकान स्त्री कुटुंब परिवार लड़का स्त्री स्त्री सब विनय तरीके तेरा ज्ञान में जानने का लायक स्वभाव है, ये मेरा है ऐसा कोई तेरा स्वभाव में है नहीं। और तेरा स्वभाव भी पर का पुत्र हो कि पर का पिता पर पिता तेरा हो क्या हुआ दर्शन है। समझ में आया? पर को प्रमेय होना पर का प्रमाण में प्रमेय होना तेरा स्वभाव है पर पर का पुत्र हो तेरा पर का बाप हो तेरा ऐसी वस्तु है नहीं। लक्ष्मी आदि पर गिनी को जानने का तेरा स्वभाव है
और ज्ञानी का ज्ञान में ते प्रमेय तुम ग्रहण कराने का तेरा स्वभाव है। समझ में आया भाई? आई हो तुझे ये छोकरा हो, आठ छोकरा हो, वोरू ने मकान ने बंगला ने आठ ने मैटे भिन्न भिन्न बंगला ने माटी भिन्न भिन्न कपड़ा ने अब ने मैटे हो ने पचास पचास हजार लाख लाख ना कपड़ा के मोटा गर्ष प्रमाण तो सब ये सब कहते हैं संतोष ही प्रभु। ये चीज गिने तरीके तेरा ज्ञान में जानने में आया ऐसी ही चीज है। ये तो तुम्हें मालिक तो तुम्हें ख्याल वाला गया है कि नहीं? मालिक तो प्रमाण का ज्ञान का मालिक है, पर का ग्रहण किया है वो ज्ञान प्रमाण का मालिक है, प्रमेय का मालिक है। प्रमेय ने प्रमाण में प्रमेय आया अने अपना प्रमेय पर का प्रमाण में गया तो क्या पर का पर उस आत्मा का स्वामी है? केवल ज्ञानी आत्मा का स्वामी है। मेरा भगवान मेरा गुरु वो कहते हैं संतोष से प्रभु। ये तो ज्ञेय है, तेरा ज्ञान में जानने लायक ज्ञेय है, पर मेरा भगवान है मेरा गुरु ऐसी तो कोई चीज है नहीं। समझ में आया? आई बात से कहने कोई चीज है उसको जानने का स्वभाव है, और कोई ज्ञानानंद आदि स्वभाव वाला प्राणी है उसमें तेरा ज्ञेय होकर प्रमेय होकर जनाने के लायक है, पर क्या होना ही तेरे में लायक है नहीं, और ये पर तेरा हो ऐसी लायक तेरे में है नहीं। हैं? ये बड़ी बात व्यवहार नहीं। समझ में आया? भगवान ने के 14,000 साधु होता है आटला आज जी का हाथी 36,000 में आई। तो कहते प्रभु सुन तो सही, तेरा ज्ञान स्वभाव में वो ज्ञेय को जानने का ग्रहण करने का अर्थ जानने का है ना? पर और स्वर जिनके निमित्त ऐसे ज्ञाकारो पर अने ज्ञानाकारो स्वर ये ग्रहण करने के ज्ञानाकार ग्रहण करने के अने ज्ञाना ज्ञाकार ज्ञाकार ग्रहण करने के ज्ञानाकार ग्रहण कराने के है दरिक शब्द में फिर समझ में आया? अरे यहाँ झगड़ा आवाज तूफान दवा ने ना मैं झगड़ा उठा को अरे पर आ सुन झगड़ा की बात है। हाँ झगड़ा होम्योपैथी दवा करते थे तो हमको तो पहले कहा भाई राजेंद्र है, राजेंद्र आएगा ना भाई है आया तो के उसमें मैं लिया पीछे टोपड़ी वाँची तो अल्कोहल है रामजी भाई को बताया था राजकोट में है राजकोट वाँची में अल्कोहल से अपन ही दवा नहीं ली ख्याल नहीं था उसने कहा था अल्कोहल नहीं तो मैं छोड़ दिया तो लोगों ने माथे न क्या उसने ना बना दिया हिम्मत भाई बजू भाई चंदू भाई रचन भाई डॉक्टर चार यही चंदा चौकड़ी चार बना जा रहा अरे भगवान
अरे नाथ आवी वात निकले मैं आ वात क्या छे भाई अने आज ये अभी दवा किया बे महीना तो बे महीना किया पर उसमें पर लोई में तो थका बद गया ये काम मैं छोड़ दिया समझ में आया ये दवा डॉक्टर किया कि उसमें टका बढ़ गया है लोई में तो ये दवा काम नहीं तो मैं छोड़ दिया था लोगों के हिम्मत भाई ने चंदू भाई ने रुजू भाई ने चंदू डॉक्टर चारे छोड़ा दिया वो तो बात नहीं करे साहब है अमृत न सागर उछले क्या बात आई शोभ कोई प्राणी विरोधी है नहीं जगत में प्राणी तो सब ज्ञेय ज्ञान में जाने लायक है उसका विरोध विरोध करना कहा ऐसा है सारे प्रभु क्या करते समझ में आया जिसको दुनिया दुश्मन कहे ये भी ज्ञेय ज्ञान में जानने लायक है बस दुश्मन है ऐसी मान में ये मानता इस आत्मा में है ही नहीं है, है? बम्बई कौन नंदकिशोर जी तो वकीलात लॉजिक से चलते भगवान लॉजिक से भगवान का मार्ग है न्याय से है ऐसे कचल मचल मानना ऐसे नहीं उसकी स्थिति जैसी है मर्यादा ऐसे प्रकार का ज्ञान करना प्रतीत करना वो वस्तु का स्वरूप है समझ में आया तो कहते हैं कि पर ज्ञेयाकार अपना ज्ञान में निमित्त है अपना ज्ञानाकार पर ज्ञान में निमित्त है ना संबंध पर जिनके निमित्त है ऐसे ज्ञानाकारों स्व जिनके निमित्त है ऐसा ज्ञानाकारों शब्द न्यारे एक पर जिसके निमित्त है ऐसा ज्ञानाकारों उसको ग्रहण करने के ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के और स्व जिसको निमित्त है ऐसा ज्ञानाकारों को ग्रहण कराने के स्वभाव रूप इतनी शक्ति अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत काम करते ज्ञानाकार ज्ञानाकार को ग्रहण करना ज्ञानाकार को कर्म ग्रहण कराना ये आ गया उसमें परमाणु रोपण आ गया हाँ समझ में आया सूक्ष्म बात है भगवान मारा गया सूक्ष्म तीर्थंकर सर्वज्ञ परमेश्वर एम कहते हैं कि मेरा ज्ञान में तुम ज्ञेय तरीके जानने में लायक है और मैं भी केवल ज्ञानी का ज्ञान में जनाने को ग्रहण कराने को लायक हूं पर मैं उसको ये केवल ज्ञानी को मैं केवल ज्ञानी हूं उसका हूं ऐसा मेरा स्वभाव है नहीं समझ में आया ऐसा स्त्री पुत्र लक्ष्मी मकान तो प्रभु तेरा ज्ञान में ये ज्ञाकार ग्रहण करने का स्वभाव है जानने का और सामे ज्ञान हो उसमें तेरा परमेत्व उसको ग्रहण कराने को ताकत है जाना जनाने को पर उसका बिकरा हो ना उसकी स्त्री हो ऐसा कोई स्वभाव है नहीं समझ में आया दीकरो बिकरो सुमन भाई दीकरो नहीं आई तो घरनी बात करी भाई 8000 पगार लावे मासिक
સુમન ભાઈ એક નો એક દીકરો છે, 50 વર્ષ નો ઉંમર છે, 8000, 6000 નો પગાર, 1000 નો શું કે ભાઈ બોનસ પેન્શન, આજે ભાડું 8000 નો પગાર. કોઈ રામજીભાઈ ના આત્મા નો દીકરો છે કે નહીં? અરે રે, જેને અહીંયા આત્મા લોકો એમ કે અમારી અડધાંગના છે, અમારા ઘરવાળી છે, અરે સંતોષે તું. તેરા ઘરવાળી તો નૈકા જ્ઞાન કરે એ પર્યાય તેરી ઘરવાળી. હા હા હા, સમજમાં આવ્યા? દરબારો ગળા ને દરબાર ને 90 લાખ ની ઉપજ ને 15 રે ને ભાઈ કે નહી? ક્યાં ગયા દેવજી ભાઈ? ગયા દેવજી ભાઈ બેઠે તો અમારે આત્મા ખેતરે નીત ની ઉપજ હે. કેસા કે એ તેરા સ્વભાવ મેં હું હે એસા જાનને કા સ્વભાવ હે દેશભાઈ? પટેલ પટેલ 10-12 ઘરે મંદિર બનાવ્યા, દિગંબર મંદિર બનાવી, બહુત વિશાળ કણબી કણ કૃષિ કૃષિ કાળે 80000 કી ઉપજ હૈ બાદ મહિને, 80000 કી પેદાશ હૈ, પાણી કા 50000 ઘર કરતી સાથે. હું તો કહેતી સબ જ્ઞાને મેં લાયક હૈ. વકીલાત કો જે ભાષા નીકળતી હૈ ઓર ઉસમે પૈસા મિલતે હૈ એ સબ જ્ઞેય કા જ્ઞાન કરને કા તેરા સ્વભાવ હૈ. ઓર સામે જ્ઞાની હો જ્ઞાન પ્રમાણ વાળા તો તેરા સ્વભાવ જ્ઞેય હોકર પ્રમેય હોકર પરમે જનાને કા સ્વભાવ તેરા હૈ. પર કા કરના પર કા તેરા તેરા સ્વભાવ પર કા હો જાય અને પર જ્ઞેય તેરા હો જાય એસા કોઈ સ્વભાવ હે નહીં? સમજ મેં આયા? આ સૂક્ષ્મ પડે ને એટલે માણસો ને મૂળ તો ચીજ આ હે. સમજ મેં આયા? ખ્યાલ તો આપે કે ખ્યાલ મેં ધ્યાન રખના પેલા કહા થા ભગવાન આત્મા ઉસમે એસી એક શક્તિ સામર્થ સ્વભાવ ગુણ એસા હૈ ઉસકા કે પર જ્ઞેયો કો જાનને કા સ્વભાવ ગ્રહણ કરને કા અર્થ જાનને કા સ્વભાવ હૈ ઓર તેરા સ્વભાવ જ્ઞાની કા જ્ઞાન મેં પ્રમેય હોને કા સ્વભાવ હૈ પણ પર કા શિષ હોને કા ઓર પર કા ગુરુ હોને કા મેં પર કા ગુરુ હું એસા કોઈ સ્વભાવ હૈ નહીં. હા હા હા, દુર્ગવાદ છે ને. શક્તિ કી પર્યાય મેં પરિણમન હાઉસ કી બાત ચલતી હૈ. શક્તિ કા પ્રતીત હુઆ ત્યારે શક્તિ દ્રવ્ય ગુણ મેં તો અનાદિથી થી પ્રતીત હોય તો શક્તિ કા પરિણમન પર્યાય મેં આયા. એ પર્યાય મેં આયા એ પર્યાય સ્વભાવ ઉસકા એસા હૈ કે પર કા જ્ઞેય કો જ્ઞાન કરને કી પર્યાય માં સ્વભાવ હૈ. ધ્રુવ મેં પ્રિયા. સમજ મેં આયા? હા 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 હા, 25-50 વીઘા, 8-2 વીઘા, આપણા પોર ભાઈ છે કે નહીં? 2 વીઘા કેટલી જમીન છે? 6 વીઘા આસલ્યો એને, 6 વીઘા નો આ પોર ભાઈ આવેલા 2 અબજના 40 કરોડના બનેવી છે. ગુજરી ગયા ને હે? સાહેબ વીઘા જમીન કરી
उसका हाड़ा पास बे अब चालीस करोड़ उसकी बहन है उसके घर। कहता किसका कहते पैसा भाई तेरे खबर नहीं आ रहा। ये परचीज नहीं अनंतता ने बहुलता ये तेरे ज्ञान में जानने के लायक है पर ये पर नहीं बहुलता मेरी है ऐसी मानदी का स्वभाव तो तेरी विपरीत दृष्टि है। तो मणि भाई आई बात है और पर का ज्ञान जो केवल ज्ञान हो मति शुद्ध ज्ञान आदि हो उसमें तेरी चीज पर को ज्ञेय होने पर को ज्ञेय ग्रहण कराने का ज्ञेय होकर ग्रहण कराने का स्वभाव है पर पर का तेरा तुम हो जाओ ऐसा कोई स्वभाव है नहीं। पंडित जी आप प्रोफेसर है भगवान है पाप का धंधा एम की प्रोफेसर का मतलब पाप का धंधा करता है। कई कैसी रीति की आत्मा ज्ञाता दृष्टा है कि कई रीति सिद्ध करते हैं। समझ में आया आत्मा ज्ञाता दृष्टा है उसकी कई प्रकार सिद्ध करते हैं कि भगवान तुम तो ज्ञाता दृष्टा है न तो ज्ञेय को जानने का तेरा स्वभाव है न और दूसरा जो ज्ञाता दृष्टा है उसको तो तुम प्रमेय जनाने का स्वभाव है पर उसका होने का स्वभाव तेरा में है नहीं। तकरार क्या फरी जाऊ बाजरा नाम टोल नाम देखा है एम गरे जाने के घूसी गयो जोवा जाए जोवा जाए अंदर आई बाजरा आवड़ा पाके एक अलवर अलवर क्यों अलवर नहीं अलियाबारा अलियाबारा मैं गई थी एक बार संप्रदाय में स्पेशल आई थी सामने स्पेशल मानस बहुत तो गाम में हो थे गया हो महाराज ने स्पेशल तो बाजरा का डूंडा लाया बरा गाम में मावड़ा डूंडा इतना में तुम बाजरो अने उसका शू कहवाई रारू रारा इतना अने बाजरा इतना एरिया बरा है जामनगर पास तो उसके राड़ा का भाग छूटा अने उसमें बाजरा का जिन बाजरा पाके इतना बड़ा लंबा उसमें कह भाई डूंडू 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 भाई तुम्हारा नाम भूली जाए पर ये बाजरा आम पाक्यो है पचास पचास वीघा में अने प्रवेश करवा जोवा जाए आ दरबार जीवन ने पोता नियम आ हा हा आ तो बाजरा पैक्या जुआर पाकी और तल पैक्या तल भी तो भाषा नहीं समझा ये बाजरा पाकते हैं ना पाकते क्या क्या बाजरा पक्का होता है ना देख तो क्षेत्र में जाते हैं देखने को क्षेत्र में जरी फरे अंदर थी अंदर गए ओहो क्या है प्रभु ये तो चीज तेरे ज्ञेय ज्ञेय है तेरा ज्ञान में जनावेने की योग्यता है और तेरी चीज है पर ज्ञेय ज्ञान में जनाने का स्वभाव है मारा मानना ये तीन कारण स्वभाव नहीं है। गणेश प्रसाद जी ये भी बात है तो पूर्ण भाई ये 2 करोड़ नहीं हसुमुख ने 6 छोकरा के ज्ञेय है ज्ञान में जानने लायक है मेरा ऐसा है नहीं होकर नहीं ज्ञेय है। पर जिनके कारण है कांस कांस कांस
पर जिनके कारण है ज्ञेयो, अपना ज्ञान में कारण है। ऐसे ज्ञेय आकारों को ग्रहण करने के, ये पर ज्ञेय ना आकार के विशेष स्वभाव को जानने का और स्व जिनका कारण है पर को, ऐसे ज्ञेय आकार ज्ञानाकार, अपना ज्ञानाकार जो है पर ज्ञान में ग्रहण कराने का स्वभाव है, जनाने का स्वभाव है। हा 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 सम्यक दर्शन में ऐसा मानता मैं आता है कि मैं तो परिणाम परिणामों शक्तिवान हूं, तो जितना ज्ञेय है उसको जानने लायक मैं हूं और पर ज्ञान में मैं जनावे लायक हूं पर मैं होकर, ऐसे सम्यक दृष्टि में ऐसी प्रतीत होती है। हा हा हा, समझ में आया? क्या आसक्ति की प्रतीत होती है? आ गया ये आप प्रमाण ने प्रमेय परिणम परिणम एटले प्रमाण परिणात्मक एटले प्रमेय, ये शक्ति मेरी है तो ये शक्तिवान मैं हूं, ऐसी जब प्रतीति हुई तो ये संकीति को अपने सिवाय शरीर वाणी मन कर्म राग आदि बताए। व्यवहार रत्नोत्तरी का विकल्प उठते हैं, उसको भी ज्ञेय होकर मैं जानने लायक हूं। व्यवहार रत्नोत्तरी का जो विकल्प उठते हैं राग, ये ज्ञेयी तरीके मेरा ज्ञान में जानने लायक है, पर ये राग मेरा है ऐसी चीज है नहीं। तकरार मूर्ति नहीं, शुभ जोग से मोक्ष का मार्ग है और शुभ जोग से है आत्मा का शुद्ध भाव होता है। आए तो परमापर समझ में आया? शुभ जोग भी ज्ञेय है, तो ज्ञेय को जानने का ग्रहण करने का आ गया और व्यवहार जाने ना प्रयोग बारहवीं का था। ये चारे बाजू थी देखो तो एक सिद्धांत उभा होता है। बारहवीं का समय आया नहीं, ग्यारह में आया कि अपना स्वभाव सज्जात भूतात, उसका जिसको आश्रय होकर सम्यक दर्शन हुआ तो साथ में ज्ञान भी हुआ, तो उसको जो राग होता है वो राग को ज्ञेय तरीके जानने का स्वभाव है, पर राग मेरा स्वभाव है और राग से ज्ञान होता है ऐसा भी नहीं, राग का ज्ञान हुआ है राग से हुआ ऐसा भी नहीं। ये राग का ज्ञान तो अपना प्रमाण स्वभाव के कारण राग का ज्ञान हुआ है। क्या किया है ये ऐसा है ही नहीं, ये बांधा ये नहीं, ये तो पद ने रचना हुई है। टीका में तो खुला सेठ है ऐसा प्रश्न किया था दिल्ली में साहू जी पंडित है क्या देखो यार उपदेश करना, अरे उपदेश की बात नहीं है प्रभु, यहाँ तो ये पद में ऐसा आया है पर उसका टीका में अमृतचंद्र आचार्य तो कहा कि तेती समय में जी कहीं राग आदि आता है उसको व्यवहार से उपचार से जानने लायक है ऐसा जानना। तदाप्य शब्द है संस्कृत में बारहवीं का समय तदाप्य तेती समय, इतने क्या कि जिस समय राग की तीव्रता आई तो उस समय सोने पर राग का ज्ञान करने की ताकत अपने से ही ज्ञान होता है। समझ में आया? और मन दूसरे समय यदि मंदराग हुआ तो वो इस समय ज्ञान की पर्याय अपने से स्वपर प्रकाशक रूप है, राग को ज्ञेय और मैं उसका जानने वाला ऐसा भी व्यवहार है। मेरी पर्याय राग संबंधी जो ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाश हुई उसको मैं जानने वाला और मैं जानने वाला और ये मेरा ज्ञेय, ये भी व्यवहार है। ये आगे आए बात सेटिका में, सेटिका नहीं खड़ी में। बहुत जीव भाई
છે ને, ક્રમવર્તી જ્ઞાન પર્યાય તે પરને જાણે એ પણ વ્યવહાર હે. એ તો બોલ દુસરા લખાયા હતા ને. હા હા, ક્યાં ક્યાં અપને મેં જ્ઞાન કી પર્યાય મેં રાગ આદિ જ્ઞેય હૈ ઉસકો જાણને કા સ્વભાવ હૈ. પણ રાગ ને જ્ઞેય હૈ તો ઉસકા જ્ઞાન કી પર્યાય પર કો પ્રકાશને મેં આઈ એસા ભી નહીં. અપની પર્યાય ની તાકાત સે સ્વ ને પર કી પર્યાય ઉત્પન્ન હોઈ જાણે કી એ રાગ કે કામ સે નહીં. હા સમજ મેં આયા. આ તકરાર મોટી વાંધા હોંદગઢ ને નામે. અરે ભગવાન પ્રભુ તેરા મહારાજ તું તું તેરી ચીજ એસી હૈ. એ રાગ આયા ઉસકા ઉસ સમય ઉસ સંબંધી ને અપના સંબંધી જ્ઞાન કરના વો તેરા સ્વભાવ હૈ. સમજ મેં આયા. પણ રાગ સે વ્યવહાર સે જ્ઞાન કી પર્યાય નીચે પ્રગટ હુઈ એ તો હૈ નહીં. પણ રાગ હૈ તો એ સંબંધી કે અપની જ્ઞાન કી પર્યાય હુઈ એસે નહીં. અપની જ્ઞાન કી સ્વપર પ્રકાશક પર્યાય હોઈ ઉસમે જ્ઞેય કા જ્ઞાન હુઆ. સમજ મેં આયા. એ ભી વ્યવહાર હૈ. હા હા હા. ઓર જ્ઞાન કી પર્યાય કો જાણને વાલા મેં એ ભેદ હુઆ. એ ભી વ્યવહાર હૈ. મેં તો વિનાયક હું બસ એસા પરિણમન હુઆ નામ ગિનાય કહેતે હૈ. સૂક્ષ્મ વાત હૈ. એક શક્તિ એક કલાક ચલી થોડી બાકી તો પાર નથી ભૈયા. અંદર મેં જેની ગંભીરતા ભાસતી હૈ ઇતની તો કહેવાની કે તાકાત એ નહીં. હા હા હા. સંતો અને કેવડીઓ ઉસકા સ્પષ્ટીકરણ કરે ગજબ કરતે. અરે એવા પરમાત્મા કે સંતો ના વિરહ પડ્યા વ્રત મેં. સમજ મેં આયા. હા હા. પર જીન કે કારણે કોણ અપના સ્વભાવ સિવાય જે જ્ઞેય રાગ આદિ પર એ જીન કે કારણે અપના જ્ઞાન મેં જ્ઞેય તરીકે જણાય એસા કારણે એસે જ્ઞેયાકારો કો ગ્રહણ કરને કે ઓર સ્વ જીન કા કારણ હૈ એસા જ્ઞાનાકારો કો ગ્રહણ કરાને કે પર કા જ્ઞાન મેં ગ્રહણ કરાના પર કા મેં જ્ઞેય હું બસ પર કા જ્ઞાન મેં જ્ઞેય હું. અપના જ્ઞાન મેં પર જ્ઞેય હૈ પર કા જ્ઞાન મેં જ્ઞેય હું બસ ઇતના બાત હૈ. એસી શક્તિ માનને વાલા કો શક્તિવાન દ્રવ કી જે પ્રતીતિ હોતી હૈ તો પર્યાય મેં રાગ સે મેં જ્ઞાન હુઆ એ તો નહીં. નિશ્ચય જો પર્યાય હું રાગ સે હું એ તો નહીં. પણ રાગ હૈ તો પર પ્રકાશ કી પર્યાય હું એસે ભી નહીં. એ રાગ ધનજી આ સરાફ બજાર ચલતી હૈ. હા હા. શું કહ્યું? સ્વજીન કા કારણ એસે જ્ઞાન ગ્રહણ કરાને કો સ્વભાવ પરિણમ પ્રણામવત શક્તિ હૈ. પરિણમમાં લેના પ્રમાણ અને પરિણમાત્મકમાં લેવા પ્રમેય. પર કા પ્રમાણ જ્ઞાન કરને કી તાકાત ઓર પર મેં પ્રમેય હોને કી તાકાત બસ
आ शक्ति में तो बहुत भरा है, ये अनंत शक्ति में ये शक्ति का रूप पड़ा है, उसका विस्तार है। कुमार वचन गुरुदेव।